फड़पटरी ठेला खोमचा वालों का जीविका बचाओ आंदोलन। फड़पटरी ठेला खोमचा वालों ने अपनी जीविका बचाने को लेकर जीविका बचाओ आंदोलन चलाकर आंदोलन के माध्यम से जिला प्रशासन को अवगत कराया कि फड़पटरी ठेला वाले अपनी जीविका चलाने के लिए सड़क किनारे दुकान चलाते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें ऐसा नहीं करने दिया जा रहा। पुलिस के बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ फड़पटरी ठेला वालों ने जिला मुख्यालय के बाहर आकर प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन जिलाधिकारी को देकर अपनी आर्थिक स्थिति से अवगत कराया। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि पिछले कई वर्षों से फड़पटरी वाले सड़क किनारे अपना सामान बेचकर अपनी जीविका चला रहे थे, लेकिन कुछ समय से पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा, जिससे उनके परिवार पर भुखमरी का संकट आ खड़ा हुआ है। इधर सरकार लगातार बिजली के बिल, खाने पीने की चीजों के दामों में लगातार इजाफा करती आ रही है, जिससे गरीब तबके के लोगों पर जीविका चलाने का संकट आ खड़ा हुआ है। ज्ञापन के माध्यम से फड़ व्यापारी यह मांग करते हैं कि 200 यूनिट तक बिजली का बिल माफ किया जाए, स्कूलों की फीस माफ की जाए, हर स्तर पर नीचे से लेकर विधानसभा संसद में फड़ पटरी वालों की समस्याओं को प्राथमिकता से उठाया जाए, सभी ठेला फड़ वालों को 1200 रुपए की मासिक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। देखिए, आज हम लोग यहाँ जो हमारे शहर के सांसद हैं, विधायक हैं, मेयर हैं, जो हमारे बोर्ड से चुने गए हैं, उनसे ये हम जवाब लेने के लिए यहाँ आए हैं कि आखिर शहर के फड़ पटरी वाले जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर ये उत्पीड़न की कार्रवाई क्यों चल रही है, उनको क्यों उजाड़ा जा रहा है, उनके कारोबार को क्यों नहीं चलने दिया जा रहा है। टाउन हॉल क्षेत्र से एक लंबे समय से पुलिस उत्पीड़न कर रही है, उनको मार मार के भगा रही है, और हमारे सांसद विधायक मेयर जो हमारे बोर्ड से चुने हुए हैं वो शांति से बैठे हुए हैं, आखिर उनके रहते हुए हमारे ऊपर ये उत्पीड़न की कार्रवाई क्यों हो रही है, हमारे बच्चे कैसे पलेंगे, हम बिजली का बिल कैसे देंगे, हम अपने बच्चों की फीस कैसे भरेंगे, आखिर ये इनको जवाब देना होगा कि हमारे बोर्ड से चुनकर आप संसद में बैठे हैं, विधानसभा में बैठे हैं, आप मेयर बन गए हैं और सारी सुख सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं, भारी भरकम तनख्वाह ले रहे हैं, भत्ते ले रहे हैं, और हमारे ऊपर पुलिस की लाठियां चल रही हैं, हमें उजाड़ा जा रहा है, क्या इसीलिए आप मेयर सांसद विधायक बने थे? हम ये जवाब लेने के लिए आए हैं कि आखिर हमारा उत्पीड़न कब रुकेगा, हमारे बच्चों के जो भरण पोषण की आज भुखमरी की स्थिति आ गई है, तो हम ये आज यहाँ आए हैं और हम उनको एक ज्ञापन देंगे श्रीमान जिलाधिकारी के माध्यम से, मुरादाबाद के सारे विधायकों को, सांसद को, मेयर को हम ज्ञापन दे रहे हैं कि ये हमारी उत्पीड़न की कार्रवाई